आज 4 साल हो गए और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था, यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है, 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे, और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई। कुछ ज्वलंत सवाल है और ये सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी है। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया, मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी, यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश शब्द है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये एक या दो गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इनपुट की, क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया। तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पर स्वाहा हो जाता है सब, 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे, और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई। पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का, और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था, ये तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है, 4 साल बीत गए पुलवामा को, 2019 14 फरवरी को हुआ था, हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं, इस जांच का क्या हुआ, कब पता चलेगा आरडीएक्स, कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो, और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा। और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह क्या है।